नोटपैड के इस अध्याय में आज आप जानेंगे नोटपैड का परिचय, साथ ही हम आपको बताएंगे नोटपैड फाइल में लिखना, नोटपैड फाइल को सेव करना, नोटपैड में सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना, पहले से बनी हुई नोटपैड फाइल को ओपन ऑप्शन की सहायता से खोलना और पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट ऑप्शन का उपयोग। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप विंडोज के अन्य वर्शंस जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 10 इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं तो उनमें भी नोटपैड इसी तरह काम करेगा जिस तरह विंडोज 7 में आज हम आपको बता रहे हैं। नोटपैड एक फ्री टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट को आसानी से टाइप कर सकते हैं। नोटपैड हमें साधारण टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने और बनाने में सहायता करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि साधारण टेक्स्ट से हमारा तात्पर्य है कि नोटपैड में आप इमेजेस नहीं लगा सकते, टेबल्स नहीं बना सकते, इसमें केवल लिखा जा सकता है। तो चलिए नोटपैड ओपन करके उसका उपयोग करना बता देते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करें, मेन्यू ओपन होने पर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, इसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। एक्सेसरीज पर क्लिक करते ही कुछ सब ऑप्शंस दिखेंगे, इनमें से नोटपैड पर क्लिक करें। नोटपैड पर क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाएगा। हम आपको नोटपैड ओपन करने का एक और तरीका बता देते हैं। पहले इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। मेन्यू ओपन होने पर नीचे दिखाई दे रहे सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करते ही नोटपैड ओपन हो जाएगा। हम इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। नोटपैड में ये टाइटल बार, ये मेन्यू बार और ये टाइपिंग एरिया होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जानकारी आपको देते जाएंगे। टाइटल बार नोटपैड का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार में नोटपैड में बनाई गई फाइल का नाम होता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक टाइटल बार में फाइल के नाम के स्थान पर अनटाइटल लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव कर देते हैं तो अनटाइटल के स्थान पर फाइल का नाम आ जाता है। फाइल को सेव करने का तरीका हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार में राइट साइड के आखिर में आपको तीन बटन दिखाई पड़ेंगे, ये हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। यदि आप नोटपैड फाइल के साथ साथ किसी अन्य फाइल में काम कर रहे हैं और आपको कुछ देर के लिए ये नोटपैड फाइल अपनी स्क्रीन पर नहीं देखनी है तो आप इसके मिनिमाइज बटन पर क्लिक करके इसे छुपा सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही नोटपैड में खुली हुई फाइल सिमट कर यानी मिनिमाइज होकर नीचे टास्क बार में चली गई है। इस नोटपैड की विंडो को वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर लाने के लिए हम इस पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा बटन है मैक्सिमाइज। ये बटन विंडो को छोटा या बड़ा करने का काम करता है। देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो छोटी हो जाती है और दोबारा क्लिक करने पर विंडो पहले जैसी हो जाती है। आखिरी बटन है क्लोज, जिस पर क्लिक करने से हम नोटपैड को बंद कर सकते हैं। नोटपैड में अगला बार है मेन्यू बार। इसमें आपको 5 टैब्स दिखाई पड़ेंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। इन टैब्स के ऑप्शंस की सहायता से आप नोटपैड फाइल से संबंधित काम कर सकते हैं, जैसे फाइल को सेव करना, टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को अलग फॉर्मेट देना, प्रिंट निकालना इत्यादि। आज हम आपको फाइल टाइप के सभी ऑप्शंस की जानकारी दे रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस की जानकारी हम आपको नोटपैड की अगली वीडियो में देंगे। फाइल टाइप के ऑप्शंस समझने के लिए पहले हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। हमने इसमें लिखा माई नेम इज अशोक शर्मा। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम नोटपैड में कोई काम करते हैं तो उसे सेव करना आवश्यक होता है। यदि हम बगैर सेव किए ही नोटपैड फाइल बंद कर दें तो फाइल में किया हुआ पूरा काम चला जाएगा और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलिए फाइल को सेव कर लेते हैं।
फाइल को सेव करने के दो तरीके हैं। पहला, कीबोर्ड पर कंट्रोल की के साथ एस की को प्रेस करें। ऐसा करते ही सेव करने वाली विंडो ओपन हो जाएगी। हम कैंसिल पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं और फाइल को सेव करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए मेन्यू बार में फाइल टैब पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। ओपन हुए मेन्यू में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव इत्यादि, और इन ऑप्शंस के सामने इन्हें उपयोग करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो मेन्यू ओपन किए बिना ही शॉर्टकट्स द्वारा इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करते ही सेव करने वाली विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से अपनी फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन चुन लीजिए। यदि लेफ्ट साइड के ऑप्शंस में आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लोकेशन नहीं मिल रही हो तो इस एरो पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से भी आप लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं। हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में से डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं। अब अपनी फाइल को जो नाम देना चाहते हो वो फाइल नेम के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में टाइप कर दें। नाम टाइप करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही आपकी नोटपैड फाइल सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए हमको इस नोटपैड फाइल में और काम नहीं करना है और हमें अगला काम करने के लिए एक नई नोटपैड फाइल चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल और एन प्रेस करें या फिर फाइल टैब पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से न्यू पर क्लिक करें। ये देखिए नई फाइल खुल गई है और पहले वाली फाइल बंद हो गई है। अब हम इस पर जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। हमने इस पर अपना काम कर लिया है, पर ये काम करते समय हमें याद आया कि हमें हमारी पिछली नोटपैड फाइल में बचा हुआ काम करना है, तो उसे यहाँ ओपन कर लेते हैं। पुरानी सेव की हुई फाइल को आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल और ओ को प्रेस करें या फिर फाइल टैब के मेन्यू में से ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही हमने ओपन ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें अभी हम जिस फाइल में काम कर रहे थे उसे सेव करने के लिए पूछा जा रहा है। यदि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कर लें। सेव करने का तरीका हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। ध्यान रखें, ये डायलॉग बॉक्स जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई अन्य नोटपैड फाइल नहीं खुलेगी। हम इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते, इसलिए डोंट सेव पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही ये विंडो खुल गई है। यहाँ से हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ वो पुरानी फाइल रखी है, यानी सेव की हुई है, जिसे हम खोलना चाहते हैं। आप लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से उस लोकेशन पर जाएं। यदि चाहें तो इस एरो को क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू द्वारा भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव्ड है, तो हम यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पर हमारी फाइल दिख रही है। इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, यानी दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, या फिर फाइल पर एक बार क्लिक करके ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसा करते ही अभी जिस फाइल में हम काम कर रहे थे वो चली गई है और पहले वाली फाइल खुल गई है। अब हम इसमें अपना बाकी बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। हमने इस फाइल में अपना काम कर लिया है। अभी हमने जो काम किया है उसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब मान लीजिए हम इस फाइल को कंप्यूटर की किसी अन्य लोकेशन पर या किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज का उपयोग करेंगे। उसके लिए फाइल टैब पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से सेव एज पर क्लिक करें। ऐसा करते ही दोबारा उसी तरह की विंडो ओपन हुई है जैसी सेव करते समय हुई थी। इसमें हम अपनी फाइल को फिर से जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम डालना होगा और जहां भी इसे सेव करना हो वो लोकेशन सिलेक्ट करना होगी। इस बार हम इस फाइल को लाइब्रेरीज के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, तो पहले लाइब्रेरीज पर डबल क्लिक करेंगे और अब यहां से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे।
अब यदि आप अपनी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो वो फाइल नेम के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में टाइप करें और सेव पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही अब हमारे पास एक ही फाइल दो अलग अलग नाम और अलग अलग जगहों पर सेव हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइल टैब के मेन्यू का अगला ऑप्शन देखते हैं। फाइल में अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। इस ऑप्शन की सहायता से आप नोटपैड फाइल के पेज का साइज और मार्जिन का सेटअप कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही पेज सेटअप वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप नोटपैड के लिए पेज साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर आदि की सेटिंग कर सकते हैं। यह ऑप्शन प्रिंटआउट निकालते समय उपयोगी होता है। यदि आप यहाँ दिखाई दे रहे प्रीव्यू के अनुसार यानी खड़े पेज पर वर्टिकल प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन के अंतर्गत दिखाई दे रहे पोर्ट्रेट ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दें और यदि आप अपने टेक्स्ट का प्रिंटआउट हॉरिजेंटली यानी आड़ा निकालना चाहते हैं तो लैंडस्केप पर क्लिक करें। देखिए लैंडस्केप पर क्लिक करते ही पेज की लंबाई चौड़ाई बदल गई है। अब हम ओके पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं और फाइल टैब का अगला ऑप्शन देखते हैं। फाइल टैब का अगला ऑप्शन है प्रिंट। इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना आवश्यक है। हम इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट वाली विंडो ओपन होगी। इसमें पहले सिलेक्ट प्रिंटर के नीचे दिखाई दे रहे नामों में से आपके कंप्यूटर के साथ अटैच किए हुए प्रिंटर के नाम पर क्लिक करें और फिर प्रिंट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी नोटपैड फाइल का प्रिंट निकल जाएगा। फाइल टैब के मेन्यू में आखिरी ऑप्शन है एग्जिट। इस ऑप्शन का उपयोग नोटपैड को बंद करने के लिए किया जाता है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए नोटपैड बंद हो गया है। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। नोटपैड के अगली वीडियो में हम आपको नोटपैड के एडिट टैब की जानकारी देंगे।